महिला ग्राम प्रधान की दबंगई का एक मामला सामने आया है, जहां अपने पावर की धौंस दिखाने में हदें तक पार कर दी गई और एक महिला को सबके सामने छोटे से विवाद के कारण खूब मारा पीटा। यूपी के देवरिया जिले की महिला ग्राम प्रधान की दबंगई का मामला है, जहां एक गरीब महिला के साथ ग्राम प्रधान ने मामूली विवाद को लेकर उसके साथ मारपीट की। इसके अलावा प्रधान ने अपनी अन्य महिला साथियों से भी पिटवाया। वहीं इस पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दरअसल पूरा मामला देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील क्षेत्र के माथापार गांव का है, जहां बीजेपी नेता जयनाथ कुशवाहा की पत्नी ममता देवी ग्राम प्रधान है। वहीं सलेमपुर लोकसभा से बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा के भाई की पत्नी है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान ममता देवी ने मामूली विवाद में एक गरीब महिला की सरेआम पिटाई की है। वायरल वीडियो भागलपुर ब्लॉक क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत का है। 31 सेकंड के इस वीडियो में महिला को प्रधान और अन्य दो महिला पीटते हुए दिख रही हैं। मार खा रही महिला असहाय दिख रही है। अपनी कोई गलती ना होने की बात कहकर महिला प्रधान से ना मारने की अपील भी कर रही है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। यही नहीं, प्रधान के सहयोग में दो और महिलाएं भी आ जाती हैं और उस महिला को थप्पड़ मार देती हैं। इस दौरान महिला को अपशब्द भी कहे जाते हैं और गाली गलौज शुरू हो जाती है। मामले को लेकर पीड़िता महिला ने बताया कि ग्राम प्रधान को खेत की मिट्टी नहीं देने पर कुछ कहा सुनी हुई, इस दौरान उन्होंने मुझे जमकर पीटा। महिला ने रो रो कर अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम इसकी शिकायत तक नहीं कर सकते, हम लोग डर डर कर जीते हैं, हम लोगों को कोई भी मार देता है। वहीं इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बता दें कि वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जहां इस महिला प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। लोगों ने कहा कि किसी भी बहस का प्रारूप ये नहीं होना चाहिए, ये सरेआम कमजोर जनता पर अपने पद का गलत फायदा उठाना और उन पर जुल्म करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।